हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर आपके पास भी रियलमी नार्जो N61 है और आपको भी पिक्चर्स फोल्डर का बैकअप लेना है तो कैसे आप ले सकते हैं, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल फोटो को करना है ओपन। ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे टॉप में ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तीर के आइकन पर क्लिक करना है। जिस भी ईमेल आईडी में आपको पिक्चर्स फोल्डर का बैकअप लेना है आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको टर्न ऑन बैकअप पर क्लिक करना है। टर्न ऑन बैकअप पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको फ़ोन सेटिंग्स पर क्लिक करना है। फ़ोन सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। बैकअप पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपका ये स्विच ऑफ है तो आपको इसे ऑन करना है। जिस भी ईमेल आईडी में आपको बैकअप लेना है ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। बैकअप क्लेरिटी आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको ओरिजिनल क्लेरिटी पर क्लिक कर लेना है। बैक जाना है। मोबाइल डेटा पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आप जब भी बैकअप लेते हैं तो आपका डेटा जो है यूज होता है, तो आपको यहाँ से डेटा सिलेक्ट कर लेना है। डेटा लिमिट मैं जो है अनलिमिटेड रखूँगा। उसके बाद आपको बैक जाना है। बैकअप डिवाइस फोल्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पिक्चर्स का ऑप्शन मिलेगा। राइट साइड में स्विच मिलेगा। स्विच पर क्लिक करके ऑन कर लेंगे आपका पिक्चर्स फोल्डर बैकअप जो है ऑन हो जाएगा। तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और हमारे वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।